हेलो। हाँ भाई, सभी भाइयों को राम राम। भाई, ये जो अपने हर भाई लाइव आते जा रहे हैं डे बाय डे, तो भाई मेरा उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी पहल की है विपिन भाई साहब ने। और कल अपने विकास भाई थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भाई मेरा मानना यह है, गेम को गेम की तरह खेला जाए, ना कि उसमें कोई पॉलिटिक्स की जाए। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि जब भी कोई गेम होता है तो वो टाइमली किया जाए, टाइम पे स्टार्ट किया जाए, टाइम पे फिनिश हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा लेट होते हैं तो रात को ऐसा भी होता है 2-2 बजे भी घर आना पड़ता है, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं और हमें को भी परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। और भाई कल जितने भाई बोल रहे थे अच्छे अच्छे प्लेयरों की, तो भाई साहब वो लागू इसीलिए हो सकता है तब हम अपने होम ग्राउंड में उसकी प्रैक्टिस करें। हाँ अंकित भाई, राम राम। राम राम, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है भाई। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ जीते भाई के लिए, वो छः छः के लिए जो बोल रहे हैं, छः छः खिलाड़ियों के लिए, उसके लिए यह है भाई, उसके लिए हमें अपने होम ग्राउंड में अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि ये नहीं होगा कि सीधे कि हम ग्राउंड में जाके छः छः प्लेयरों में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और एक ये भी है कि भाई जो भी भाई है, जैसे भी एक बार भाई महेशपाल भाई साहब ने पंचायती करवाया था, तो मेरा ये मानना है भाई इस पंचायती को तो करो मत, क्योंकि बहुत से गांवों में कोई एक एक खिलाड़ी रहते हैं, उनकी पूरी टीम न बनने के कारण एक एक खिलाड़ी होते हैं, उन्होंने खेलने का अपना शौक होता है। तो इससे जैसे पंचायती कर रहे हैं तो उस प्लेयर को, उस प्लेयर के बारे में सोचो, उसका क्या होगा, उसका हम किसी तरह से समाधान क्या कर सकते हैं। तो भाई पंचायती अवॉइड करो जितना हो सकते हो, जैसे पैटर्न बनाए लोगों ने, आप लोगों ने 5-2 का या 6-1 का या 5-1 का, एक या दो प्लेयर बाहर के अलाउ करो उसमें। क्योंकि भाई मेरे मेरा गेम छूटने का रीजन सिर्फ ही पंचायती गेम है, क्योंकि मेरे गांव में बंदे खेलते हैं, बहुत से खेलते हैं, लेकिन वो कभी बाहर जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते, ना ही दिखाते। एक दो जगह मैं लेके गया हूँ तो 7 की जगह वहाँ 6 पहुँच रहे, 5 पहुँच रहे, फिर फ़ोन कर रहा हूँ भाई कहाँ हो, बोल रहा है बीच में कोई कुछ काम हो गया घर पर। हाँ संदीप भाई, राम राम। और भाई सबसे ये कहना है, कोई प्लेयर, सब प्लेयर अच्छे होते हैं, प्लेयर कोई भी अच्छा हो ना हो, लेकिन सबसे पहला एक आदमी के लिए ये होना चाहिए, उसको एज ए मैन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लेयर भावना बाद में पैदा होती है हमें, वो तो ग्राउंड सिखाते हैं, ग्राउंड में मिलने वाले लोग सिखाते हैं, एक दूसरे को ही जब हम संपर्क में आते हैं तो ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भाई ये बहुत अच्छा है जो मतलब आप लोग सोच रहे हो फेडरेशन बनाने की, जो भी है, लेकिन करो। मेरी मानना है डिस्ट्रिक्ट वाइज विपिन चहल भाई ने बहुत अच्छा किया है, जितने भाई के बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो करो। तो भाई हर डिस्ट्रिक्ट के 2 या 3 मेंबर उठाओ, उनको फेडरेशन में इन्वॉल्व करो, उनकी भी सहमति लेनी चाहिए, इससे ही गेम आगे बढ़ सकता है। अभी जैसे महेशपाल भाई ने ग्रुप बनाया अपना व्हाट्सएप NCR और शूटिंग ग्रुप, काफ़ी साल हो गए, उस ग्रुप का मैंने आज तक एक ही फ़ायदा देखा है कि पहले हमको भी नहीं पता लगता था, आप अपने साइड में खेलते थे, आपको नहीं पता लगता था, अब कहाँ कहाँ टूर्नामेंट है। उससे ये होता था कोई मतलब नॉलेज ना हो, बस क्या होता था, पंपलेट चिपकाते थे, चिप लगवाते थे, कोई बसों पे लगवा देते थे, कोई अपने बस स्टैंड पे, कोई अपने शहर में जाके लगवा देते थे, कोई पब्लिक पे ऐसा पॉपुलर मेडिकल स्टोर या इस पे उनकी चिपकवा देते थे। ग्रुप का सिर्फ मेरे को एक फ़ायदा लगा है कि इससे सभी भाइयों को
सभी जगह के टूर्नामेंट पता लग जाता है। और दूसरी बात, ग्रुप में देखो आप सभी लोग जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी एक मैसेज आप करोगे तो उसके पास बाद 500 कमेंट आएंगे, जो कि वो बहुत ही, उसमें से 70% लोग बेतुकी बातें करते हैं। भाई प्रदीप, बिल्कुल रूल नहीं हुए हैं इनके, ना ही रूल हो सकते, क्योंकि इसके वॉलीबॉल शूटिंग की आज तक ना तो कोई किताब लिखी गई है और ना कोई लिख सकता। मेरे फादर ने DPED का कोर्स कर रखा है और मैं खुद भी बता रहा हूँ आपको, ये अपने घर के नियम होते हैं, अलग अलग गांव के होते हैं, अलग अलग, जो जिसमें सुपर क्वालिटी दिखती है वो वहीं ठोक देता है नियम को। तो ये जो विपिन भाई, जीता भाई, ये जो आप कर रहे हैं इस मुकाम को, गेम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें मैं यही कहूँगा, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज को दो दो तीन तीन जितने भी खिलाड़ी हो, सबको एक फेडरेशन या एक कमेटी बनाई जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए। उसके बाद जो अपना ग्रुप है या कुछ भी है फेडरेशन में, कभी मौका मिलते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद कभी कोई टूर्नामेंट में हो तो उसमें मैक्सिमम सभी टीमें आएगी, तो उस दौरान उनको हर टीम खिलाड़ी से तो नहीं, लेकिन जो अपने 15-20 लोगों की कमेटी बनाई है, उन लोगों को उस बात को बताओ, ये कर रहे हैं भाई हम, आपकी क्या राय है। यदि वो बताते हैं हाँ इस रूल को अलाउ करो, तो भाई अलाउ करो, करना चाहिए, क्योंकि मैं आज वॉलीबॉल नहीं खेलता इतना, कभी खेल लेता हूँ कोई 10 में से 2 टूर्नामेंट खेल लिया, वो बात अलग है। राम राम भाई बाबा, राम राम, 2 टूर्नामेंट खेल लिया वो बात अलग है, लेकिन भाई बात यह है, मेरे गेम, मैं कह रहा हूँ, मैं बेंगलोर रहता था तब भी मैं महेश पाल भाई से बात की थी, भाई साहब आपने ये रूल जो पंचायती है वो बिल्कुल ही गलत निकाला है, इसमें आप किसी न किसी प्रतिभा प्लेयर की प्रतिभा को दबा रहे हो, ना कि उसको उभार रहे हो। अब हमारे यहाँ से लगा लो, जिस मैं देखो अभी जो बहुत से भाई नए आए हैं मेरे बाद में, मैं बहुत बहुतों को नहीं जानता, लेकिन कुछ कुछ को जानता भी हूँ, लेकिन भाई जो कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं, मेरा गांव का सिंगल हूँ, जोनसिना है वो सिंगल है, विकास है वो सिंगल है, अभी पहले किंदोखर की टीम अच्छी थी, बागी के टाइम में, बागी ने ही मेरे से मतलब खेलना सिखाया, मैंने कोशिश की, बहुत मेहनत की थी इस गेम के पीछे। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था मेरे को, लेकिन ये भी नहीं है, उनकी मेहनत थी, उसके पीछे मैं भी बहुत मेहनत की है अपने गेम को सुधारने के लिए, बहुत मेहनत की है मैंने। तो भाई इससे, जैसे पंचायती टूर्नामेंट से एक प्लेयर को हम अवॉइड करते हैं और अपने आप में ये बोल देते हैं भाई हमने ये नियम बना दिए, कोई यार एक नियम कोई आदमी नहीं बना सकता, और कुछ कमेटी में ऐसे भी होते हैं भाई बना देते हैं फिर वही रूल तोड़ भी देते हैं। अमित क्रिकेटर भाई, राम राम, तोड़ भी देते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा, किसी पर प्लेयर की प्रतिभा को कभी नहीं दबाना चाहिए, यदि हम उसकी प्रतिभा को दबाएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ था, उन्होंने बीच में पंचायती कर दी, प्योर मैं लेके जाता, कभी 5 खेलते, कभी 6 खेलते, कभी 7 खेलते, लेकिन जो चाहते वो नहीं जाते प्लेयर, कोई बच्चे इधर उधर से लेके टूर्नामेंट जाया करता था। भाई मैं तो ये मान रहा हूँ, देखो सबसे पहले एज ए मैन होना अच्छा होना चाहिए, उसके बाद यदि जो कुछ रूल बना रहा है उसको, भाई प्रदीप आपका ये कहना कि एक ही टीम में खेलो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने, कोई है वो अभी सभी भाइयों के स्टेटमेंट या विचार व्यक्त करवा रहे हैं, जित्ता भाई, विपिन चहल भाई, अब जो हम लाइव आ रहे हैं डेली 4 से 4:30, कोई 5 भी कर रहा है, उसके पीछे यही है उद्देश्य है कि एक बार सबका अपने अपने राय रखें, उसके बाद में ऊपर क्या कमिटी डिसाइड करती है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करे हो अच्छा करो, हर प्लेयर के
बारे में सोच के करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, अखबार बार 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 यही बात बोलना चाह रहा हूँ, सभी प्लेयरों के बारे में सोचना चाहिए। मैं तब खेलता था, बहुत से टीमें आती भी थी हमारे टाइम में। देखो भुंडू आता था, बहुत ही स्टार प्लेयर था उसके, मैं बहुत खेला हूँ उसके साथ। उसमें कभी मैंने ईगो वाली बात नहीं देखी। हो सकता है वो किसी के लिए कुछ गलत भी हो या ना भी हो, लेकिन हर पांचों अंगुल इंसान की बराबर नहीं होती। मैं तब तक खेला हूँ, मैंने उस प्लेयर के अंदर ईगो नहीं देखा। खजान भाई राम राम। और कभी कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना बन जाए, कोई भी प्लेयर ईगो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ईगो उसके गेम को, गेम के पतन का कारण बनेगी। अभी भाई वो बता रहा था मैं एक एक प्लेयर की, जोन सी नाय विकास है, मैं भी था कभी। अभी तो मेरे को, आप जितने लोग देख रहे हो या शेयर करोगे, मेरे को कोई पुराने खिलाड़ी जानते होंगे, नए खिलाड़ी किसी ने नाम सुना होगा या कोई जानता होगा, नहीं जानता होगा। भाई अमित राव भीमा आज से साथ आज। भाई बिल्कुल डिफरेंस लगता था, पहले गेम इतना फास्ट नहीं होता था, गेम में पट्टी का चलन नहीं था। तब से बिट्टू सागर के नेट आए हैं, पट्टी का चलन हो गया। उस टाइम में पट्टी का इतना चलन नहीं था, गेम पहले बीच बहुत फास्ट हो गया। पहले बीच हमारे जो नेट भाई है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा उभर के आए हैं, पहले इतने नेट भी नहीं होते थे, इतने मतलब फास्ट नेट। और किसी भी टीम के जीतने के पीछे सारी टीम का हाथ होता है। मैं जीतता था मेरे टाइम में, हारता भी था, लेकिन तब कोई मेरे से बड़ा सीनियर खिलाड़ी पूछता था, यार हर टीम में दो दो सेंटर हैं, आप अकेले हो तो मतलब कैसे, क्या आप अपने सही पोजीशन निकाल रहे हो। मैं हमेशा अपना सिर अपनी टीम को देता था, मेरा नेट और मेरे दोनों नेट अपने गोविंदा था भाई। मेरी साइड होती थी जय भगवान बाबू जी, बल्ली रेवाड़ी से मनोज। तो मैं सभी को यही बोलता था, भाई मेरे जीतने के कारण मेरे टीम की रीढ़ की हड्डी मेरे पांच प्लेयर हैं या छह प्लेयर जो भी हैं, ये प्लेयर मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं अकेला आदमी कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, जो गेम अकेला क्या हो उसमें ही पहाड़ फोड़ सकता है अकेला आदमी। और देखो हमारे टाइम में जोन सिन्हा का नाम बहुत ही कम था, उस बंदे ने, बंदे को कोई गाइडलाइंस करने वाला अच्छा नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। उस बंदे ने खुद इतनी मेहनत की है कि बहुत ज़्यादा की है, आज वो एक अच्छे मुकाम पे, उसकी अच्छी प्लेयरों में काउंटिंग होती है। विकास था, विकास का भी गेम पहले कुछ अलग था, लेकिन आज वो एक इतनी अच्छी साइड है कि बहुत ज़्यादा अच्छी साइड है वो। अब इन प्लेयरों को प्रतिभा है इनमें, लेकिन हम ये पंचायती करवा के इन प्लेयरों की प्रतिभा को दबा रहे हैं। मेरा ना तो अब इतना वॉलीबॉल खेलने का जो पहले जुनून था, जज्बा था, वो नहीं रहा है। उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि जो लोग, जो खिलाड़ी 5-6 साल गेम से दूर हो जाए, उसके बाद मेरे जितना बन छोड़ने के बाद गेम में तेजी आई है, पहले इतनी तेजी नहीं थी। तो अब ये प्लेयर अपने, ये लगा लो 0 पॉइंट से उठ के आज पीक पे पहुंच रहे हैं। हम यदि पंचायती टूर्नामेंट करवाते हैं तो इन प्लेयरों की प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, और हमें ऐसे करना भी नहीं चाहिए। अब जैसे पहले किंदोखर की टीम बहुत अच्छी टीम होती थी। नितिन अलाउ भाई बिल्कुल एग्री है आपसे भाई निट्टे। अब जो महेश पाल भाई नियम निकालते हैं ना, उसको देखो, हम तो कभी ग्रुप में ऐड होते हैं तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो हमारे बात का कोई सोल्यूशन होता नहीं है। भाई नीरज आपको पता होगा, खूब याद होगा, मैं, आप ये मत सोचना अपने बारे में ही कुछ ज़्यादा बोल रहा है, मैं इस गेम को इतना खेला हूँ बहुत ज़्यादा, और आपकी टीम से खूब हारा भी हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपसे कभी जीतूंगा नहीं। हर प्लेयर, हर खिलाड़ी जो ग्राउंड में रहता है,
मेरा मानना है हर प्लेयर से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, यदि हम खुद लेना चाहे तो हर प्लेयर से सीख मिलती है हमें। मैं किंदोकर के मनोज का बता रहा था भाई, मेरे टाइम में था बाग्गी, मेरे को खेलना तक भी नहीं आता था, वो मेरे को बाहर ले जाता था। उस टाइम में बहुत अच्छा था बाग्गी का, और मैं तो आज भी, वो भी छोटे बहुत साल हो गए और मुझे भी, लेकिन मैं आज भी उसको अपना गुरु मानता हूँ, अपना आदर्श आइडियल मानता हूँ, और वो है भी, क्योंकि उस प्लेयर में कभी मैंने ईगो नहीं देखा। तो भाई जैसे अब किंदोकर में बागिल जॉब लगने के बाद उनके गांव की वो टीम, वो परफॉर्मेंस नहीं रही। मनोज भी कभी कभी किसी टीम में मिल के जाता है क्योंकि उसके गांव के भी बच्चे नहीं जाते। तो अब मनोज का इसमें क्या हाल है? अंकित जून सरदार जी, बहुत अच्छे भाई, क्या हाल है आपका? अब इसमें मनोज का क्या कसूर है भाई? मनोज तो खिलाड़ी है, खेलेगा, विकास है, मनोज है, जोन सिन्हा है, और भी कोई गांव के हैं जिसे मैं नहीं जानता। संदीप बच्ची है, वो अपने नया गांव का, उसका शायद से मे भी पूरा सेट नहीं है, और भी कोई होंगे जिसमें मेरी नज़र से, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, जो अब नए चेहरे हैं मैं बहुत कम जानता हूँ। जैसे एक अपने जयदीप भाई है, वो भी चुलाना टीम गांव से है, मैं उनके साथ खेला हुआ हूँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे आदमी भी हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अब इस, मतलब वो जुनून ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी और भाई के साथ ना हो। हाँ रोहित जून भाई, रामपाल भाई भी है, कोई दिमाग से नहीं, मतलब नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ ये बात। तो उसमें यार ये मत, कोई नियम ऐसे मत बनाओ कि दूसरों की प्रतिभाओं को दबाया जा सके, ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए हमें। और पहले जो गेम होते थे भाई मोहित, बहुत ज़्यादा गेम होने लगे उस पहले की बजाय, बहुत अच्छी बात है गेम होने लग रहे हैं, लेकिन गेम करवाओ, फेयर करवाओ, क्योंकि बंदा जाता है तो कभी, मैंने काफ़ी मैच देखे हैं कि कोई रेफरी की वजह से हार जाता है। तो देखो रेफरी भगवान तो होता नहीं, क्योंकि गलती तो, एक गलती तो भगवान से भी हो जाती है, तो उसके लिए भाई मैंने काफ़ी अपने कैरियर में काफ़ी रेफरी ऐसे देखे हैं कि सामने वाली टीम के आगे चाहे कुछ हो, जिसको, जिसने दिमाग में ये ठान लिया कि ये टीम मैंने हरवानी है तो हरवानी ही है। अंशुल भाई, शास्त्री यूपी के बारे में कुछ बताओ भाई। शास्त्री यूपी अच्छा खिलाड़ी है, मैं एक ही बार उनके साथ मुतलक कला में खेला हुआ हूँ, बाकी मैं उनके इतने मैच देख नहीं पाया, एक बार खेला था, अच्छे इंसान है, नेचर हाई हेलो हुई थी बस, ज़्यादा उनसे बातें भी नहीं हुई मेरी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, काफ़ी नाम सुना है, फेसबुक पे भी देखते हैं। यश सागवान भाई, राम राम। तो भाई मैं तो जितने भाई विपिन जो भी है आज के खिलाड़ी है या पुराने खिलाड़ी, मैं यही बोल रहा हूँ उनसे, मेरा यही निवेदन है, अब भाई कुछ करो तो कुछ ऐसा करो कि हमारा गेम में नाम हो, किसी बेचारे को जो सिंगल गांव से सिंगल पर्सन है, वो किसी कारणवश टीम नहीं बना पा रहे हो या नहीं हो रही हो, तो भाई इस ग्रुप ने, बिल्कुल भाई मोहित, इस ग्रुप ने ऐसी तैसी, क्या माँ ऐसी तैसी करी है ग्रुप, बहुत सी टीमों की माँ ऐसी तैसी करी है इस ग्रुप ने, और मैं आज भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे कहने से हालांकि कोई सुधरे ना सुधरे, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त करने का मुझे मौका मिला है, आप लोगों ने दिया है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ भाई। एक टीम में खेलो बहुत अच्छी बात है, हम भी खेले थे कभी 4-5 साल के नौकर के नाम से खेले, उससे पहले मैं चांदास के नाम से 4-5 साल निकाले थे, और जीआरपी के नाम से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मैंने जीआरपी से खेला है, 5-स्टार में भी खेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है 4-5 मैच खेल लिया या 2 हार गया फिर चेंज कर ली टीम, मैंने जिस भी टीम में खेला है
जिस भी टीम में मैंने सेंटर खेला है, तो मतलब जिस भी नाम से खेला है, सॉरी, मैंने उस टीम को अपने टाइम में 3 4 साल, 2 साल, 1.5 साल इतना टाइम दिया है। उससे पहले ये नहीं, एक दो टूर्नामेंट हार गया तो मैं टीम चेंज कर ली। नहीं, मैं खेला हूँ, एक ही नाम से खेला हूँ। भाई प्रदीप, जो आप ये 5 प्लस 2 का बता रहे हो, 7 का, ये भी अच्छा है, लेकिन हम हमारे युवा या कुछ सीनियर प्लेयर हैं, 6 का पैटर्न ऐसे कुछ कर रहे हैं, 6 6 प्लेयर का। चलो ठीक है, उससे भी हमारी कवरिंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि उससे हमारी कवरिंग नहीं बढ़ेगी, हमारी कवरिंग अच्छी होगी उससे भी। भाई अमित भीमा, उस टाइम गेम में पॉलिटिक्स नहीं थी, बिल्कुल आपकी बात जायज है। उस टाइम प्लेयर को, जो बेस्ट प्लेयर होता था, उसको लाइक करते थे। जैसे हमारे, मेरे आगे की बात है, हमारे बागी थे, अपने मामड़िया से भाई भगत जी थे, टीट से भाई लिल्लू थे, रोहित सेक्टर 4 के थे, मैं भी था उस टाइम में, दानवीर अपने भाई साहब, अब जो इंद्री से है, वो भी आते थे। लेकिन उस टाइम में वो बात नहीं थी भाई, प्लेयर को सम्मान दिया जाता था और प्लेयर को लाइक किया जाता था, भीड़ लग जाती थी। अब तो गेम बहुत चेंज हो चुका है, और ये चेंज भाई किसी ने नहीं किया है, ये जिनकी छोटी सोच होती है उन्होंने कुछ अपना नियम, कुछ अपने जोड़ तोड़ करके प्लेयरों की प्रतिभा दबाने की कोशिश की है, और कुछ नहीं किया है भाई। कभी भी कहीं भी खेलो, मेरा मानना है, जो मेरे सीनियर प्लेयरों ने मेरे से सिखाया है, कभी भी किसी टीम से हमें डरना नहीं चाहिए। डरने का मतलब ऐसा नहीं है, हम सामने दिख रही है आज कोई भी स्टार टीम है तो उसके आगे अपने सिलेंडर कर दे, अकबर नहीं हुए तो वो टीम है, इससे जीत ही नहीं सकते। खेलो यार, खेल खेलने से हर दिन आपको एक, हर टूर्नामेंट में, सॉरी, हर टूर्नामेंट में आपको एक नई बात सीखने को मिलती है, यदि कैच करना चाहे तो बंदा। हमने भाई ऐसा कभी नहीं माना कोई आगे सेंटर है तो उसके लिए दबाव माने। मेरे एक और साथी हैं सीनियर खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, भाई मैनपाल सिंह, राजस्थान से। उन्होंने एक ही बात सिखाई मेरे से, अब बेटा कहीं भी खेल, किसी भी सेट में खेल, मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ, किसी भी कहीं भी खेल, किसी भी सेट में खेल, लेकिन कभी भी अपने सामने वाले को, अपने मतलब उसका दबाव मत मानो। गेम ही तो है, हार या जीत, हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं, वो अच्छा खेलेंगे तो वो जीतेंगे। भाई भादुरगढ़ के बारे में दो वर्ड। भाई मेरे टाइम में रवि से मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम झासवा में। उस टाइम रवि की खेलता था, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं था, फोर्स बहुत अच्छा था रवि की बॉल में। और कुछ कुछ टाइम बाद ही रवि एक इतना उभरता हुआ चेहरा सामने आया था, देखा भी था, फेसबुक पे लाइव भी था, बहुत कुछ मैंने उनसे देखा, उन्होंने बहुत अपने गेम में इम्प्रूवमेंट किया, और भाई करना भी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना भी चाहिए भाई, यही हमारा उद्देश्य है। जो खिलाड़ी खेलता है वो अपने गेम को निखारने के लिए भी खेलता है, और अपना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, जब हमारे संदीप उर्फ बागी की दोखर के, इन्होंने ITBP ज्वाइन कर ली थी, इनके गांव का एक सीनियर खिलाड़ी ये बोला कि भारत अब 5 स्टार की टीम में खेलेगा, उसकी टीम में खेलेगा 5 स्टार की। मेरा एक और साथी होता था टिंकू, गेंदोखर से ही, मैंने उससे कमिटमेंट किया था, अब भाई बागी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये नहीं है कि बागी ही सारा गेम जितवाता था, उसको भी सपोर्ट मिलती थी नेटमैन से, साइड से, शूटर से, स्कोरर से। सोनू पनवार, राकेश दहिया, बोड़े अकमान पुरुष के बारे में कुछ भैया, खास प्लेयर था।
भैया राकेश बोड़िया कमालपुर हमारे गांव का है, वो बहुत ही कम खेले, हमारे से सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत ही कम बाहर टूर्नामेंट उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया है। भाई मैन कॉल कभी पैसे के लिए मैं खेला वो सर। भाई प्रदीप, मैं मेनपाल में बहुत खेला हूँ। मैंने ये कब कहा भाई मेनपाल पैसे के लिए खेला है? कभी नहीं खेला। उस आदमी को खेलने का जज्बा जुनून मैंने एक बार देखा था खुशपुरा गांव में, हमारा मैच था मनोज ककराड़ा भाई साहब के साथ, लास्ट बेस्ट ऑफ थ्री का मैच था। एक वो जीत चुके थे, एक हम हार चुके थे, एक हम जीते, एक एक पारा जीत चुके थे। तीसरे पारे में 8 शायद से उनकी थी, हमारी 2 या 1 पॉइंट थी, उनकी 12 हुई जब हमारी 6 हुई थी। भाई उस टाइम मैंने देखा था, इतना भयंकर गेम दिखाया था मेनपाल ने, जबरदस्त। और उनको तो मैंने बहुत से किस्से भी सुने हैं, देखे सुने नहीं सॉरी देखे हैं, क्योंकि मेरा कैरियर उनसे पहले नहीं बाद में ही हुआ है, मैं बहुत से साल उनके नीचे खेला हूँ। और भाई मेरा मानना है जो भी कोई नए बंदा आता है, जैसे अब हमारे रेवा डिस्ट्रिक्ट में अब हमारे भाई साहब लिल्लू लिल्लू है, वो जो है जो गेम में कंटिन्यू वो भी नहीं है, पहले हमारे मतलब आमने सामने का एक अलग ही वो होता था, मैं था एक सेंटर, एक लिल्लू था, भगत जी था, संजय हाड़ी था, रोहित था, दो तीन टीमें और भी थी, मतलब ये 5 6 टीम तो ऐसी थी जो बहुत एक दूसरे को टक्कर देती थी। लेकिन आज तक भी कायम भाई हमारा भाई लिल्लू है, क्योंकि वो गेम से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है, वो एक दो का अच्छा खिलाड़ी है, कवरिंग बहुत अच्छी है भाई की। रमन भाई, भाई बॉबी गुरु जी, भाई बॉबी भाई साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे इंसान है, हेल्पफुल इंसान है वो। मैं भाई किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने एक ही बात बताई थी, मैं अपनी प्रतिभा जो मेरे अंदर कुछ था लोगों ने देखा यार, ऐसे थोड़े ना मेरे कहने से मैं स्टार बन गया, मैं लोगों से सुनता था। तो भाई मैं तो एक पंचायती गेम है उसके फेवर में नहीं हूँ, और वे भाई अपने जितने भाई जो छः छः की पहल शुरू करना चाह रहे हैं भाई करके देखो, ग्राउंड में खेलो, प्रैक्टिस होगी उससे, कवरिंग बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, होने को भाई क्या कुछ नहीं हो सकता। सिनु शेरावत भाई बहुत अच्छा हाल, आप बताओ भाई साहब कैसे हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गए मिले भाई आपसे। भाई अभी छः छः से एक बात बता रहा हूँ, मतलब 6 7 में डिफरेंस की बता रहा हूँ, ये हमारे सिन्नू भाई चिराग दिल्ली के बहुत सुपरस्टार स्कोरर, बहुत आ रहा हूँ मैं इनसे बहुत ज़्यादा। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इन भाइयों ने खेला, खूब खेले मैच, ओनली फॉर ड्रॉपिंग के, थर्ड बॉल डबल हैंड से कहीं भी गेर नहीं, उसको शूटिंग करना, शूट करना, लेकिन ये भाई भी कोशिश करने से क्या नहीं होती, क्या एक प्लेयर की कवरिंग नहीं कर सकते हम? इन पूरी टीम को तब स्टार्ट करने लगे इन्होंने, ये थर्ड बॉल अंडर हैंड के पैटर्न में आने लगे टूर्नामेंटों में, मेरे हिसाब से एक दो जगह मैंने देखा तो 3 4 पॉइंट तो इनके वैसे ही चले जाते थे, क्योंकि इनको इनको पता नहीं एकदम में जैसे नियम चेंज हुआ, अब भाई अब थर्ड बॉल अंडर है, ये पूरे खेलते हमेशा स्कोरिंग से थे। तो भाई चाहना जो बंदा चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, विकास भाई 6 6 का बेस्ट गेम रहेगा, चलेगा भाई क्यों नहीं चलेगा, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बागी के अपोजिट शूटर खेलता था, ऊपर स्कोरिंग शूट लेफ्ट पे, भाई स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ मेरे को बिल्कुल भी गेम में कोई जंप वंप कुछ नहीं था, बस थोड़ा यह है पीछे तक की हाइट ज़्यादा होने के कारण मैं बॉल ले लेता था, उस कारण से मेरे जो और बाकी टीम के साथी थे मेरे को ये भी सुनने मिलता था कि भाई संदीप इस बात को निकाल दे किसी और प्लेयर को ले, भाई बहुत दिल पे लगती थी वो बातें। लेकिन मेरे को उस टाइम में जब संदीप खेलता था ना, मेरा गेम इतना हुआ था कि मैं अपने कंधों पे सेंटर का भार डांट सकूँ, लेकिन तब संदीप नौकरी जॉब लगा उसके गांव के सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि भाई भारत टीम को रेवाड़ी टीम में जाएंगे, तब मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था अब मैं गिनोखर के सेट में ही खेलूंगा,
और इसी सेट को अपना गेम में इम्प्रूव करके इसी सेट से अपना जीत हासिल करनी है मेरे को भाई। कोशिश करो, सब कुछ हो सकता है कोशिश करने से भाई। निमोट, भाई निमोट लिल अपना बोलो भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, बोलो के गेम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बोलो ने भाई अपने गेम में बहुत, अमित भाई राम राम, बोलो ने अपने गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और अच्छा खिलाड़ी है, एज ए मैन बहुत अच्छा आदमी है, सब प्लेयरों की, बड़े प्लेयरों की या जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करता है। राहुल भाई केर सिंह रसूली, भाई राहुल केर सिंह का हमने मैच देखा था सबसे पहले चांदावास गांव में भाई, जो जंप लेता था बंदा, जो फोर्स डालता था, काबिले तारीफ थी। और पहले हमारे इलाके में सबसे मैंने स्टार्ट किया था खेलना, मैंने देखा बाद में बहुत से प्लेयरों को, लेकिन जो बागी था उसका जंप काबिले तारीफ था। वो कुछ टाइम के लिए ऐसे लगता था हवा में ही ठहर गया हो, कुछ सेकंड के लिए, सॉरी टाइम नहीं, सेकंड के लिए ऐसे लगता था कि वो हवा में ठहरा हो। अमित अंकित पथरेड़ी के बारे में बताओ भाई, अंकित पथरेड़ी भी बहुत अच्छा आदमी है, मेरा जूनियर है, मेरा फ्रेंड भी है, अच्छा गेम में इम्प्रूवमेंट किया उसने बहुत अच्छा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मैं उसके प्लेयर को मानता हूँ, सोनू को, नेटमैन को। इम्प्रूवमेंट अपने क्या नाम है बंटी, इसने भी बहुत किया है, क्योंकि हमारे टाइम में था तो बंटी में जो आज तो एक बहुत बड़ी दीवार है, उस टाइम में इतना गेम में इम्प्रूवमेंट नहीं था। सोनू, बंटी, अंकित, ये तीन ही मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा किया है इन्हें, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। अजय गुलिया भाई राम राम जी भाई, भाई केर सिंह का ये है, हमने एक दो बार ही मैच देखे थे लेकिन बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा जंप था, अच्छी फोर्स थी उनके पास। भाई रही दूसरी बात, एक सभी लोगों से जितनी भी टूर्नामेंट हम सभी भाई करवाते हैं अपने अपने गांव में कैसे भी करके, टाइम के लिए बोल रहा हूँ मैं भाई, टाइम को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए टाइम पे स्टार्ट करवाओ, टाइम पे फिनिश कर दो, उससे बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी, एक बार रेवाड़ी में हुआ था, क्लब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, 10 बजे के बाद आई टीम तो उसके 200 रुपये फाइन करके एंट्री की जाएगी भाई। ये बात गलत है भाई, बीमा टाइम होना चाहिए मेरी नज़र में 12 बजे, मैच हर हाल में स्टार्ट हो जाना चाहिए, कम से कम दो या दो ग्राउंड तो होने ही होने चाहिए, दो से अलावा ये हो, तीसरा ग्राउंड की हमें तैयारी करके रखनी चाहिए कि यदि देखते हैं भाई टूर्नामेंट नहीं ख़त्म हो रहा तो तीसरा ग्राउंड भी हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं रेवाड़ी की बता रहा था भाई, एक बार कोई टीम लेट हुई, उसकी 200 रुपये एक्स्ट्रा लेके एंट्री कर दी। अरे लिल्लू भाई पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा नाम, क्योंकि मैं उन लोगों में खेला हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 5 स्टार ही है वो क्लब, तो ये गलत है भाई। भाई अमित भीमा पहले टाइम से होते थे, बहुत से खिलाड़ी पहले, मैं खुद की बता रहा हूँ यार, मैनपाल का गांव यहाँ से बहुत दूर है और हम वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाते थे। अब लोगों को जैसे ही नाइट आई ना, नाइट प्लस लाइट, इन लोगों लाइट प्लस नाइट ने लोगों की विचार धारणा सब चेंज हो गया। तो भाई इनसे ना सभी लोगों को क्या होता है, अब भाई जाएंगे 1 बजे या 12 बजे, 1 बजे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ जाके टाइम पास करना, ताश खेलना या कुछ भी, और टूर्नामेंट वही 4 बजे स्टार्ट होते हैं या 3 बजे, 2 बजे, कुछ भी। भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो क्लियरिटी हमें दिन में दिखाई देती है, विजुअलिटी क्लियर दिखाई देती है, वो रात को कभी नहीं होती।
पहले भाई आदमी थोड़े टाइम के पंचुअल होते थे, लाइट ना होने के कारण, पहले किसी किसी ग्राउंड में लाइट होती थी, लाइट ना होने के कारण ये भी सोचते थे यार भाई थोड़ा जल्दी चलो। भाई बिल्कुल रात को देखो मैं तो अलाउ हूँ नहीं, क्योंकि हर प्लेयर के ग्राउंड में लाइट भी नहीं होती। हमारे टाइम में भी लाइट में खूब टूर्नामेंट खेले, लेकिन हमारे गांव के ग्राउंड में लाइट नहीं थी। आदमी अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाता, कोई जो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। सुनील भाई राम राम। भाई चांदास का अपना बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, काफ़ी साल में खेला हूँ, खेलता रहा हूँ। कोशिश जितनी भी होती है, यदि मैं गांव में रहता हूँ तो चांदास का टूर्नामेंट जरूर खेलने जाता हूँ। भाई खाना पीना सब बहुत अच्छा रहता है। चांदास के अलावा अपने यहाँ पे मेरी नज़र में टीट गांव में टूर्नामेंट अच्छा होता है, मामड़िया में, सेक्टर 4 में भी अच्छा टूर्नामेंट होते थे, गिंदोखर में भी अच्छा टूर्नामेंट होते हैं। और भाई बाहर के तो क्या बताऊं, अजय गुलिया अजय गुलिया करनाल की टीम बेस्ट है। मैंने उनका गेम देखा था चांदावास गांव में, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मैं अपने कैरियर में उनके साथ खेलना नहीं था। अरे काहे के भाई, दक्षिण हरियाणा के सुपरस्टार। अरे भाई आप लोगों की दुआ सम्मान से पहले थे, प्यार से थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। कपिल भाई मैंने गेम खेलना इसलिए छोड़ दिया, मैं अपने आप गेम नहीं छोड़ा, मेरा गेम छुड़वाने के लिए पीछे मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो किसी भाई ने, महेशपाल भाई ने बनाई हो या किसी ने जिसने पहल करके कही हो, पंचायती गेम को प्रीफ्रेंस ज़्यादा दी है, उस कारण मेरा गेम छूटा। वरना मैं, मेरे फादर ये बोलते थे घर में कितना भी काम हो, वॉलीबॉल ऐसी क्या है जो तू छोड़ के नहीं आ सकता। रमन भाई जयपुर राजस्थान, कमल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। खिलाड़ी को सबसे पहले एज ए मैन अच्छा होना चाहिए भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो। हाँ शोरी भाई देखो नीम आउट का भी टूर्नामेंट एक नंबर का होता है, शोरी देखो इसके लिए। बट मैं यही कहूँगा भाई, टाइम को नज़ाकत देखते हुए हम लोगों को टाइम से पहुँचना चाहिए, क्योंकि कोई प्लेयर ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे भाई टीट से ले लूँ, किसी किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती है ज़्यादा लेट तक खेलना, क्लियर मना कर देते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ भाई, उन प्लेयरों की प्रॉब्लम, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम भी हमें समझनी चाहिए। और देखो एंट्री की बात बता रहा था मैं 5 स्टार क्लब की, एंट्री ये मत करो कि 400 रुपये बढ़ा दी जाए, 1000 रुपये बढ़ा दी जाए, जो खेलने आएगा वो 1000 भी देगा, 2000 भी देगा, उसको ऐसे ही करना चाहिए। 12 बजे लास्ट टाइम दे दिया, आप लोग 5-7 मिनट और डिले करना चाहते हो या और टाइम देना चाहते हो दूर की टीमों के लिए, तो 12 का 12:15 12:30 लास्ट है, उसके बाद चाहे टीम कितनी ही दूर से क्यों ना आए। कितनी ही दूर से क्यों ना आए, भाई सुरेंद्र मलिक, दानवीर भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, बहुत से प्लेयरों का आइडल भी है वो। मैं खुद उनके जैसे गेम, जो उनके हाथों की प्लेसिंग है, कटिंग है, आज तक हम में नहीं आई है, सीखने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कुछ गेम में कुछ बातें, कुछ स्ट्रोंग पॉइंट, गॉड गिफ्टेड भी होते हैं भाई, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भाई सुनील था टाइम कभी था जब, अब वो टाइम तो नहीं रहा, न हम उस बात की मैं जिद करता कभी, अब मैं बहुत था, बहुत था, मैं तो सभी से ये बोलता था, अभी बोलता हूँ, अब मैं कुछ नहीं है बस की देखो, कभी थे जब थे, अब नहीं है, तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं अपने बात को। अगर आप सभी प्लेयर बहुत अच्छे खेलते हैं, हमें वो जुनून और जोश नहीं रहा है भाई, 6-6 में खेलेंगे,
तो जितने भाई आपकी बात सही है, गेम सुधार आएगा, कवरिंग भी बढ़ेगी, और तीसरी जो बात आपने कही है, गेम जल्दी ख़त्म होने के कारण नहीं, पूरे पूरे चांस होते हैं उसमें, क्योंकि यदि 6 में अपनी कवरिंग नहीं बढ़ाई तो टीम हारेगी। भाई थैंक यू, आपने मेरा नाम चैनल में भेजा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप तो मेरे बड़े भाई से भी बढ़ के हो। रेवाड़ी का बल्ली, भाई रेवाड़ी का बल्ली बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन बात यह है भाई, रेवाड़ी के मुझे बहुत दुख है। उस टाइम में जब हम खेलते थे तो रेवाड़ी के 5-6 टीम दावेदार ऐसे होती थी, किसी भी टूर्नामेंट को उठाने में दम रखती थी, जज्बा रखती थी। मैं हार जाता तो लिल्लू, लिल्लू हार जाता तो भगत जी, रोहित, हाड़ी थी बहुत सिटी में, लेकिन हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं बहुत खेद की, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे सीनियर खिलाड़ियों में कहीं बैठता हूँ तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता कि हमारे बाद कोई प्लेयर आगे निकल के आया ही नहीं। अब हमारे लिल्लू भाई ने थोड़ा गेम स्टार्ट है उनका, तो रेवाड़ी के लिए वही है, उन्होंने रेवाड़ी की मान सम्मान को बरकरार रख रखा है। हमसे पहले बहुत आए थे लेकिन हमारे बाद में बहुत कोई प्लेयर नहीं आया जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का नाम करे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, तो हमें भी भाई। भाई आज अंडर हैंड किस टीम को बेस्ट मानते हैं? सुरेंद्र भाई सभी टीम बेस्ट है, कुछ देखो दिन की बात होती है, कभी कभी ऐसा भी टाइम आते हैं, अब कितना ही खूब बढ़िया सेट हो, खूब बढ़िया खेलते खेलते भी ऐसा हो जाता है, पॉइंट नहीं बनते, किसी भी टीम से हार जाते हैं। देखो अंडर हैंड में कोई ऐसा भाई, वो भी राम राम भाई, ठीक हूँ, आप बताओ, अंडर हैंड में ऐसा कोई पैमाना नहीं है, हमारे टाइम में भी ये नहीं था, 5 टीम थी हमारे रिवर डिस्ट्रिक्ट की, कि सारे टीम मैच लीलू जीते या रोहित या मैं या कोई भी, एक रेशा होता था, कभी 3-4 टूर्नामेंट वो लगातार जीत रहा था, 3-4 मैच जीत लिया, तो ऐसा अभी मेरा मानना नहीं, गलत नहीं बोलूँगा भाई मैं। देखो अभी आज टाइम अंकित पथरेड़ी मैक्सिमम टूर्नामेंट जीत रहा है, कभी कभी हार भी जाता है, तो उसमें हम कोई बेस्ट नहीं दे सकते। टाइम था ऐसा कि एक बार हमारा भाई भगत जी इतना सॉलिड सेंटर था कि वो अच्छे अच्छे टीमों को, जहाँसवा टूर्नामेंट को मेरे को अच्छी तरह से याद है भाई, ये अपने दानवीर भाई साहब, प्रेम, भुंडू, बहुत अच्छा सेट था, उन्होंने एक तरफा हरा दिया। तो अंडर हैंड में भाई गेम का संतुलन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ना, जब टीमों के 6-7 खिलाड़ियों के अंदर, तो कोई भी टीम जीत जाती है यार। भाई बेंगलोर नहीं जाता तो आज भी मेरा सिक्का चलता। भाई सुनील देखो, हर जो आएगा उसका जाना निश्चित है, मैं बेंगलोर जाने के पीछे भी मेरा पर्पज वही था कि मेरे गेम पे बैन लग गया था भाई, वरना मैं बेंगलोर थोड़े नहीं जाता। एक आदमी ये लगा लो जिसको बहुत बढ़िया डांस करना आता हो, वो डीजे बजा दे, उसके अगर बैंड बजा बजा दे, और उसको ये हाथ पैर बांध दिए जाए उसके, अब तेरे को तो नाचना ही नहीं है, तो प्लेयर क्या करेगा या वो डांसर क्या करेगा, उस रास्ते पे नहीं जाएगा, वो कोई अपना और रास्ता पकड़ेगा। और ये जितनी मैंने जितनी लोगों से बात सुनी, भाई किसने ट्रेंड चलाया, ये सभी भाई, भाई विपिन चहल बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ ट्रेंड चलाया, मैंने काफ़ी लोगों से यही सुना, महेश पाल भाई साहब ने ट्रेंड चलाया। भाई सुंदर मलिक, जोनी, सावदा, सिन्नू, यूपी निट्टू, दिनेश जयपुर, सभी बेस्ट हैं, मैं बता रहा हूँ आपको उसी बात के बारे में बता रहा हूँ। कभी कभी दिन ऐसा आता है कि हम अपना पूरा एफर्ट कर ले होते हैं और किसी दूसरे प्लेयर की वजह से या कुछ दिन का बैड लक होना, जिसकी वजह से टीम हार जाते थे, हार जाते थी। मैं इनमें सभी
दिनेश जयपुर के साथ मेरा मैच नहीं हुआ यार, यूपी निट्टू भाई के साथ, वरना भाई बुंडू जोनी सावदा भाई को अच्छे, तीनों भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके तीनों भाइयों के साथ खेला हुआ हूँ, बहुत अच्छे हैं। सिन्नू भाई बहुत अच्छे स्कोरर है, सिन्नू भाई ने एक बार रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में अजय कप्तान के, सॉरी रामलीला ग्राउंड में हुआ था मैच, बहुत ही काबिले तारीफ मैच खेला था उन्होंने, 2 दिन के मैच थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे स्टाइल से वो मैच निकाला था। और मैच था लिल्लू के साथ, लिल्लू ऐसा है जिस टीम को एक बार चिपक जाता है तो उसका धीरे से पीछा नहीं छोड़ता, बहुत बढ़िया डिफेंसर है लिल्लू। पट्टी भी सबसे पहले हमारे यहाँ पे भाई गुरुजी संदीप का नाम तो पहले ही ले चुका मैं, सबसे पहले हमारे पट्टी भाई यहाँ पे रेवाड़ी में, और मतलब हमारे जो साथियों में मेनपाल था, अपने भाई लिल्लू और अपने भाई भगत जी, हमें तो आज भी पट्टी का गेम नहीं आता, कोई जंप की बॉल हो तो वो मार लेते हैं, पट्टी का गेम आज भी नहीं आता। राहुल जून पत्री नाम सुना है इसके बारे में? भाई राहुल जून अच्छा खिलाड़ी है, मैं बोलता हूँ उसके बारे में, किसी बारे में बोल्ड बोलता हूँ भाई, लेकिन उसमें गुस्सा बहुत है, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्लेयर अच्छा है, प्लेयर अच्छा हो या ना हो, सबसे पहले यही पांचवी छठी बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, एज ए मैन अच्छा होना बहुत अच्छा है, ग्राउंड से निकलते ही वो आदमी बहुत अच्छा, लेकिन ग्राउंड में मैंने कई बार उसके साथ खेला है, काफ़ी टाइम खेलता खेला है मैं उसके साथ, तो वो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता है, वैसे प्लेयर बहुत अच्छा है भाई, एज ए आदमी नेचर मैन अच्छा है। भाई बब्बन यदुवंशी, मैं खेलता था जीआरपी क्लब से, ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छा सुपरस्टार था, लेकिन हाँ मैं भी टूर्नामेंट में अपने पोजीशन निकालने के लिए क्षमता रखता था अपने अंदर। भाई अपने खैर से महेशपाल भाई साहब ने रूल निकाला था जिससे मैंने लोगों से सुना, एक पंचायती, तो उसकी वजह से मेरे गांव की टीम थी नहीं, तो मेरा बैन होना स्वाभाविक से था, एक दो जगह लेके भी गया मैं उनको, तो मेरा बैन होना स्वाभाविक था कि पंचायत मेरा सेट था नहीं, कभी किस में खेल के कभी किसी में खेल के, मैं ऐसे अपना जो नाम आप लोगों में आज थोड़ा है, या पहले मेरे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अच्छे से जानते हैं, तो वो इसी की देन है, लोगों का प्यार था, सहयोग था, इतनी हीन भावना नहीं थी किसी के प्रति। हाँ लिल्लू था मेरा साथी बिल्कुल क्लोज, सारे हम पांचों जो रेवाड़ी के थे सभी क्लोज थे, लेकिन गेम में एक दूसरे के प्रति ये सोचता था कि मैं भारत को हराऊं, मैं सोचता था मैं लिल्लू को हराऊं। नन्ना भाई यमुनानगर का बेस्ट नेट, बेस्ट यमुनानगर का क्या, मैं उस बंदे का गेम देखा, बेस्ट गेम है उसका, ईगो नहीं है भाई। गोलू राव बैन इसलिए लग गया कि एक पंचायती टूर्नामेंट होने लगे और मेरे गांव की टीम थी नहीं, इसलिए मेरे पे बैन लगा। भाई संदीप भाई उस टाइम था तो उसको टाइम को अभी रोने से क्या फायदा या कुछ। मैं अभी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, जो भी फेडरेशन है भाई, विपिन चहल, जीतता भाई, फोगाट, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, देखो पहली बात तो ये इसकी गेम की कोई किताब ना तो बनी है और ना कोई एक आदमी इसकी बना सकता, ठीक है, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, किसी भी प्लेयर की प्रतिभाओं को मत दबाओ यार, क्योंकि उस प्लेयर को बड़ा दुख लगता है जब उसके गेम पे बैन लग जाता है, मन बहुत करता है आज भी खेले, लेकिन अब वो बात नहीं है, गेम में इतनी तेजी है कुछ। भाई मैं उस टाइम जिम जाम करने लग गया था, बॉडी का ओवर वेट हो चुका है, जब मैं खेलता था मेरे 70 से ऊपर वजन कभी नहीं गया, तो भाई उस टाइम को तो रोने से अब या दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आने वाले मेरे जूनियर खिलाड़ी या कोई सीनियर खिलाड़ी, उनके लिए एक संदेश यही देना चाहता हूँ, जो फेडरेशन बन रही है या बनाने की कोशिश की जा रही है, भाई देखो ऐसे नियम बनाओ हर प्लेयर को उभरने का, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। और ये भाई प्रदीप राजस्थान ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी एक बार, मतलब टूर्नामेंट के साथ टीम चेंज करना, ये भाई बात गलत बात है,
देखो आज एक बात बता रहा हूं मैं, यदि कोई आदमी कहता हो भाई कोई आदमी मैं पैसे के लिए नहीं खेलता, मैं उस भाई से बहस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूँ, मेरी नज़र में सब लोग पैसे के लिए खेलते हैं। मैं आप इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कभी आपने देखा हो आपकी टीम में या किसी और की टीम में आपने सुना हो भाई हमारे टीम के सेंटर ने सारे रुपए किसी से दान दे दिए, या टीम की एक मेंबर से दे दिए, या किसी गरीब बच्चों में या गरीबों में डोनेट किए हों, किसी भाई ने सुना हो तो। हो सकता है भाई, जो ये बहुत से देखा है मैंने, मैं ये बता रहा हूँ बहुत से देखा होगा आप लोगों ने भी, जहाँ आपके 500 बाट मतलब शेयर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे 400 450 ले लेते होंगे। बहुत से होंगे ऐसे प्लेयर, मैंने खुद दो प्लेयरों से देखा है, सीखी है ये बात, अपने भाई मैनपाल और लिल्लू से, दोनों से बात सीखी है। ये कभी भी पैसे के लिए मतलब इतना वो नहीं, ठीक है जो हिस्सा है वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि ठीक है बाहर का कोई या मैं खेलने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं आप उसको बराबर शेयर करें, ठीक है भाई 100 रुपये मेरे कम दे तो उस भाई को पूरे दे अपने। दोनों में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई। गेम खेलना दोबारा शुरू कर दो भाई, खेलना कपिल दोबारा शुरू कर दें, लेकिन अब ना तो वो प्लेयर रहे जो मेरे साथ जिनका तालमेल था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी होती हैं ऐसी। पहले भाई ऐसा था मेरा, मैं मेरे पैर से तिनका टूट गया तो ठीक है, मैं कोई घर का काम या कुछ ऐसे फैमिली बर्डन था ही नहीं। और भाई देखो इस गेम के लिए एज भी होती है, हाँ उस दौरान यदि कंटिन्यू रहता तो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत मतलब सभी टीमों को हराता, लेकिन हाँ कुछ काउंटिंग होती, 6ठे 7वें नंबर या 10वें नंबर तक काउंटिंग होती मेरी। अब तो भाई आप दोबारा खेलने कह रहे हो, अब मेरी बॉडी में 99 kg वेट है, कहाँ से 29 kg कम करूँ समझ नहीं आता भाई। देखो आज से अलग अलग नहीं, उस टाइम में भी अलग अलग गांव के, क्योंकि मैं ही अलग गांव में खेलता था गिंदोखर में, मेरे साथ मेरे गुरु भी मानता हूँ मैं उनके, मैनपाल भाई भी बहुत साल खेले हम गिंदोखर की टीम में, एक रविंदर जी होते थे चांदावास सॉरी डूंगरवास के, वो भी 3-4 प्लेयर हम भी गिंदोखर की टीम में बाहर के थे उस टाइम में। हमारे टाइम में मतलब 1-2 साल जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे लिल्लू का और भगत जी का सेट, ये मैक्सिमम अपने सेट से खेलते थे। भाई देखो ना तो हमें, मैंने आज तक फेडरेशन के टूर्नामेंट खेले हैं, बाकी मैं तो यही बोल रहा हूँ जो भाई भाई गोली जुनराम, जो भाई विपिन चहल भाई भाई जितना बहुत से ऐसे हैं यार जो पहल कर रहे हैं, उनका हमें तन मन धन से साथ देना चाहिए, और किसी भी मसले को यार बहुत प्यार से या पोलाइटली तरीके से बात करके विचार करके ही हम सोल्यूशन पे आ सकते हैं। ऐसे नहीं अब मैं अपनी भैंस कहाँ बांधू तो अपनी गाय कहाँ बांधे, कहने का मतलब जब हमारे विचार एक नहीं होंगे तो कितनी फेडरेशन बना लो। ये हर भाई हर गांव के हर खिलाड़ी को समझना चाहिए कि जो भाई इतनी पहल कर रहा है उनके लिए यार अपने नियम टूर्नामेंट कमेटी के एक बनाओ। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिनों आपको टूर्नामेंट कुछ टूर्नामेंट 2 में 3 में प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे हो मतलब हो जाएगी, जो हम करना चाहते हैं वो जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा भाई। भाई बहुत अच्छे प्लेयरों को मैं अब भी देखता हूँ, नए नए बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है हमारे लिए, मेरे लिए तो ज़्यादातर यही है, मैं हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का कोई नया प्लेयर नहीं निकल के आ रहा। अंकित है मेरे से बहुत जूनियर, अंकित पथरेड़ी बहुत जूनियर है, मेरे सामने खूब खेला है, गेम में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है कि बहुत ज़्यादा, मैं उसके साथ भी खेला हूँ अपोजिट भी खेला हूँ मैंने उस प्लेयर में, मेरे मेरे को जो लगा ईगो नहीं लगा आज तक। और भाई रही बात देखो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक आदमी ना तो किसी नियम को बना सकता, वो हमारे इस ग्रुप में ऐसे हैं बोलते हैं दौड़ दो 15, तो कम से कम 10-15 बंदे तो ऐसे मिल जाएंगे लाइक गुट्ठा ठोकने वाले, हाँ भाई दौड़ दो 15, ऐसा मत करो यार, विरोध करना सीखो,
गलत है तो गलत बोलना सीखो। अब गलत कर रहा है भाई तू ये चीज़। अब मेरे को क्या है भाई, क्यों मैं किसी को क्यों पर्सनली महेशपाल का नाम ले रहा हूँ या क्यों किसी का नाम लूँ। मैं जो मेरे साथ होता था, देखो आप मेरी नज़र में रामपाल है राजस्थान के भाई, विकास है नानू खुर्द का प्रॉपर गांव, नहीं पता मेरे को तो जोन सिन्हा है बड़ेवा से, मनोज गिदोकर से है। तो भाई ऐसा क्यों यार, क्यों करे जा रहे हो, क्यों किसी की प्रतिभा दबा जा रहे हो आप। उसके अंदर दम होगा तो अपना गेम और निखार के जीते हारे वो एक अलग मैटर है भाई, ऐसा मत करो। मैं तो हाथ जोड़ कर आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। ऐसे नियम वैसे तो देखे ना, जिदा बहस में मैं किसी से करता नहीं, या आप बहुत सीनियर खिलाड़ी हो यार, कहाँ इसकी कोई किताब बनी है वॉलीबॉल शूटिंग की, कोई एक स्टैंडर्ड पैमाइश है, पैमाना है। बनाओ बहुत अच्छी बात है, फेडरेशन बनाओ, कुछ नियम बनाओ, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन सब प्लेयरों को मद्देनजर रखते हुए उनके बारे में सोच के। भाई जितना ने अच्छी पहल की है, भाई विपिन चहल ने कोई छः छः का या फेडरेशन बातें भी की थी, मैंने तो उनसे बेंगलोर से बातें की तब भी उन्होंने यही जवाब दिया था भाई, एक दो तो प्लेयर अलाउ होने चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर प्लेयरों की कोई टीम गांव की नहीं होती, तो क्या है उसका, ये थोड़े ना कि उसको हम वॉलीबॉल की दुनिया से मिटा दे नामो निशान। जयदीप भाई एक खूब अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा स्टार है, अजय मैन बहुत अच्छा है, तो अब उसके माए उसके अंदर हुनर है, तो यार उसके हुनर को हम लोगों को ये चाहिए अपने साथी को और निखारे और हुनर को उसके काबिल बनाए, ये नहीं कि उसके हुनर को ईंट पत्थर डाल के और बोले जा डूब मर कुएं में, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नियम बनाओ सभी के लिए, एक बनाओ स्ट्रिक्ट बनाओ, कहीं जो स्टार्टिंग में टूर्नामेंट करवाते हैं कहीं बंदो किसी बंदे को बेचारे को कमेटी को नहीं पता, उसको भी समझाओ आखिर ऐसे करने चाहिए। कुछ लोग देखे हैं मैंने अपने कैरियर में खूब स्वार्थी, जो बस ये हो सोचते हैं पहले मेरे टाइम में भाई भारत ना आए या लिल्लू ना आए, उनको टूर्नामेंट मत बताओ, बिना टाई के मैच करवाओ, ऐसे बहुत देखे हैं। मैं तो मेरे भाई ऐसे टूर्नामेंट भी देखे हैं, खेले हैं, जीते हैं वो टूर्नामेंट जिनमें टाई डाल दी, नंबर किसी का है कुछ का, जब कमेटी के पास गए तो पर्ची ही खा गए। ये बात भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि जो भी कमेटी टूर्नामेंट करवाती है वो सबको, उसके लिए 100 एंट्री आई है तो 100 के 100 एक बराबर है, समान है, किसी के साथ ऐसा ना करो। अगर ठीक है दो बढ़िया टीम आएगी तो उसको बढ़ा दे, एक कट गई अपने आप ठीक है, फिर कोई एक और आई तो पर्ची ऐसे कुछ डाल के या करवा देंगे भाई। भाई बॉबी रेवाड़ी में बहुत टूर्नामेंट होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे अपने नीमोठ में, चांदावास में, लिल्लू टीट, अभी मामड़िया में नहीं होता, फाइव स्टार में, अभी सेक्टर 4 में नहीं है, गिंदोखर में बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं भाई। लेकिन मैं यही बोलूँगा उनके लिए, जो भी टूर्नामेंट कमेटी है, अपने नियम एक बताओ, एक बनाओ सभी को, उनमें कोई आके यार ये ना बोले या जाते वक्त ये ना बोले कि यार वो बोड़िया का टूर्नामेंट होगा। मैं दो टूर्नामेंट मेरी गैर मौजूदगी में हुए हैं, एक बार में तो मेरे को ऐसा लगा था, मैं बेंगलोर था तो मेरे पास फ़ोन भी गया था, कुछ बहसबाजी कुछ झगड़ा हुआ था, तो मैं किसी भी गांव की ये बता रहा हूँ भाई, कोई जाके ये ना कहे यार वहाँ का टूर्नामेंट बहुत गंदा था। और भाई रेफरी की बता दूँ मैं आपको, बहुत से हमारे रेफरी मेरे को ऐसे भी दिखे हैं जो कुछ भी कर लो हरवा ही देते हैं मैच को। रजित भाई राम राम, बिल्कुल भाई मैं थोड़ा सा भाइयों को बता रहा था इसलिए ले नहीं पाया भाई, राम राम। मैंने भाई अपने कैरियर में रेफरी देखा है घड़ी अरसरू का, एक नाम नहीं बता मेरे को, एक लंबी सी हाइट का एज्ड आदमी था, मीडियम टाइट मैच खेले थे मैंने, मेरे और भगतजी मामड़िया का था वो मैच, भाई प्रवीण राम राम, तो भाई वो नानू खोड़ का था उस, मतलब रेफरी साहब ने इतने अच्छे तरीके से मैच स्टार्ट करने से पहले सारे नियम सारे रूल बता दिए थे, ये नहीं है कि हाइट 30 फुट दो, ये बोला था कि पैमाइश कोई नहीं होती भाई, आप कितनी पता ना, राहुल पथरेड़ी कितनी हाइट, कोई नाप सकता है उसकी, मेजरमेंट कर सकता है हाइट कितनी दे दी, लेकिन उसका ये
कहना था कि भाई हाइट बॉल को इतनी दो जिस पे शूट कर सके अगला बंदा। आज तक मैंने वैसा रेफरी कभी नहीं देखा। रेफरी देखे बहुत ऐसे ऐसे भी हैं जो ये बोल देते थे जाओ अपने घर जाओ। तो भाई जो भी किसी भी गांव में होते हैं ऐसे आदमी को रेफरी बनाओ जिसमें सहनशीलता हो। देखो रेफरी को भी बहुत से सुनने में मिलती है बातें। भाई ठीक हूँ, आप बताओ मनदीप, रेफरी साहब को भी ऐसे सुनने में बातें मिलती हैं बहुत से? क्योंकि कभी कभी मैंने भी बहुत सा बोले हैं रेफरी थे। एक राजस्थान में गांव है डबड़वासुरी, वहाँ का रेफरी सुबह कोई 10 या 11 बजे जब भी मैच स्टार्ट होता है अपना देसी का भवा मार के खड़ा हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करो आप। एक बार हमारा एक सेट था, राहुल भाई था उसमें, बिट्टू भाई जो एम्स वाले हैं उन्होंने उनकी हेड से बोल ली, वो बॉल फाउल दे दिया यार। भाई जग्गा बाटी भाई, भाई राम राम कैसे हो भाई जी, तो हेड से बॉल फाउल दे दी। तो भाई कमेटी को डिसाइड करना चाहिए कि हमारे गांव में ऐसा कौन पर्सन है या ऐसे कोई रेफरी साहिबा को बनाया जाए जिससे आने वाली टीम को कोई गलत ना लगे, कोई जाते वक्त कमिटमेंट ना ठोके कि अरे रेफरी बहुत गलत था। और भाई देखो रेफरी के लिए सभी टीमें बराबर होती है, लेकिन वो किसी का एक बार पक्ष ले जाते हैं ना तो मैच, हम खिलाड़ियों में भी ऐसी बातें होती हैं कि यार एक बार नहीं बोलेगा, दो बार नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन तीसरी बार वो जरूर करेगा ऑब्जेक्शन उस बात का। और मैंने अपने कैरियर में यही देखी है, सीखी भी है, सुना भी है। अगर एक बार रेफरी से जो बंदा बोल जाता है ना तो रेफरी तो फिर उसकी घस कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। और भाई ये जो छच्छा के बता रहे हैं इसको लागू करो, क्यों नहीं होगा यार? भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही पड़ंपड़ा खेलता था, धीरे 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 भाई मैच में जैसे मीडियम के मैच होते मेरे को अवॉइड कर दिया जाता था। मैं अपने घर रहता था, मन बहुत करता था, तो मैंने सीखी भाई। भाई मैंने अपने अनिल मास्टर जी है मोदीपुर से, मैंने पर्सनली उनसे कही गुरुजी मैंने आप अपनी टीम में खिला लो, मुझे सिखाओ। भाई उन लोगों ने जो मैं मीडियम के कुछ चरम सीमा पे पहुंचा था वो उनकी देन है, मोदीपुर गांव के बंद, मोदीपुर टीम की, सॉरी बंदों की नहीं, मोदीपुर टीम की। और वो एज ए मैन ऐसे हैं भाई, आप कोई भी जाके जिनको मतलब खेलना ही नहीं आता हो मीडियम टाइट, आपने उनसे जाके बोल दिया सर गुरुजी मैं खेलना चाहता हूँ, वो कभी मना नहीं करेंगे। मैंने ऐसे बात देखा है उनके अंदर। मेरे से पहले और भी टीम मतलब टीम मेंबर उसमें खेले हैं, मैं भी खेला हूँ काफ़ी साल मीडियम के बहुत से मैच। तो भाई कोशिश करने से, मेरे भाइयों जो 7 का है या 5 का है कुछ भी हो, कोशिश करने से सब कुछ होता है। इससे मतलब हमें प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग के कुछ टूर्नामेंटों में यदि हम होम ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नई जो टीम भी है मतलब जो बिल्कुल नए टीम उभरी है उनको भी मैं यही बोल रहा हूँ भाई, छछों में यदि है तो अपने छछों में प्रैक्टिस करो, कवरिंग हो जाएगी, उससे गेम थोड़ा टाइमिंग कम होगी क्योंकि कवरिंग का भी बहुत बड़ा है, सब इतनी कवरिंग नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो कवरिंग भी सबकी होगी। नरेंद्र भाई जी, शेरावत बॉबी भाई, उनकी तो होड़ नहीं हो सकती, मैं अपने एक आदर्श में उनका भी मानता हूँ, जय भगवान जी को भाई। हाँ वो आज भी खेलते हैं अपने फिजिकल फिट रहने के लिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और सबसे अच्छे मेरे को उनके आदर्श बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम तो उनसे बहुत जूनियर हैं। उन्होंने कई बार हमसे बताया था कि भाई ये पीने के जीतने के बाद ड्रिंक व्रिंक ना करनी चाहिए, तो ये बात भाई बहुत अच्छी है क्योंकि इससे खिलाड़ी का पतन होता है। और भाई देखो एक मैं आप सभी लोगों से निवेदन और कर रहा हूँ, जिस भी गांव में जहाँ भी टूर्नामेंट हो, हालांकि अब तो मोस्टली गांव में होते हैं, अब भाई ट्रॉफी वगैरह बेस्ट प्लेयर का ये देना चाहिए भाई, ये इसलिए नहीं है प्लेयर को थोड़ा वो हो सम्मान, इसलिए सम्मान के लिए भी, दूसरा भाई यादगार पल के लिए।
यादगार पल के लिए भाई बिल्कुल देना चाहिए ये। मैं भी अपने ट्रॉफियों को देख के बहुत मन में आता था यार, हम भी कभी ऐसे थे, इतने बड़े लेवल पे खेले भाई। हाँ, मोदीपुर की टीम मीडियम की स्टार टीम बिल्कुल थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं थी। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनमें, और उनका फंडामेंटल मेरे को, एक इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ उनके फंडामेंटल को। ये नहीं है कि वो मेरे को टीम में खिलाते थे या उन्होंने सीखा, इसलिए नहीं, मैं उनके मतलब बिल्कुल क्लोज की तरह हूँ। मैंने उनसे कुछ डिस्कस किया उसके लिए बोल रहा हूँ कि वो टीम के जो पैसे होते हैं उनके शेयर ना करके एक अपना कुछ क्लब है उनके अंदर डालते हैं। कभी किसी भाई को कितनी कुछ पैसों की ज़रूरत हुई तो उनको पैसे देते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उनका एक क्लब है रोहित भाई हाथ, अब क्या बना के दिखाएं, कभी नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट में मिलोगे तो ज़रूर खेलने आएंगे, कोशिश यही है। लेकिन अब तो यार वैसे लाइफ ऐसी है, एज ए मैं करता जिम हूँ, आप अलग डायरेक्शन में ले जाने की सोच रहे हो, विपरीत दिशा होगी ना एकदम। भाई अभी तो पहले JBM कंपनी बेंगलोर था, अभी तो मैं अपने रेवाड़ी में एक एक्स डिग्री नाम से जिम है उसमें ट्रेनर रहूँ। तो भाई मोदीपुर की टीम की मैं बहुत सराहना करता हूँ कि वो बंदो देखो सब पैसे कलेक्शन करके किसी को भी, आपको या किसी गांव में भी किसी को ज़रूरत है तो भी उनकी हेल्प करते हैं उन पैसों से जो जीत के हैं। वो एक पार्टी सार्टी जो करते हैं सभी मेंबर अपना इकट्ठा करके या इंक्लूड सभी कर लेते हैं वो करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है भाई पैसे इकट्ठे करने और अच्छे टूर्नामेंट होते हैं उनके। रोहित भाई यूट्यूब भाई, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब करता हूँ भाई। हम लोगों को देखो इनका साथ देना चाहिए, पहली बार मेरे कैरियर में इतनी बड़ी कुछ चेंजमेंट या गेम में इम्प्रूवमेंट करने का बारे में लोगों ने सोचा है, तो हम लोगों को भी इतना श्रेय करना चाहिए लोगों को, अकबर हम उसको अपना योगदान करें, उनकी बात माने, अपने विचार व्यक्त करें उनके आगे, क्या गलत है क्या सही उनको बताएं। लेकिन भाई मैं जो भी अपने फेडरेशन में आप मेंबर ले गो तो ऐसे ले ओ, अक्सर सबके विचारों को आराम से समझे और किसी के साथ थोड़ा भेदभाव ना हो, मेरा यही कहना है आपसे। क्योंकि भाई गेम है, इसको गेम के तरीके से खेलो, ना कि ईर्ष्या या किसी प्लेयर को काट करने के लिए, ऐसे मत खेलो कभी भी। और भाई अब जब भी जैसे लॉकडाउन खत्म होंगे, स्टार्टिंग टूर्नामेंट की कहीं से हो, कहीं से भी हो, मैं यही निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे, और जैसे टीम कमेटी करवाई है और कमेटी जो बन रही है, फेडरेशन जो बन रही है, हो सकता है कभी फेडरेशन का कोई मेंबर टूर्नामेंट ना खेलने पहुंच रहा हो, तो जो अपने ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, शूटिंग ग्रुप नहीं सॉरी NCR ग्रुप, शूटिंग ग्रुप जो भी है, इसमें जो किसी टूर्नामेंट में किसी टीम के साथ गलत हुआ हो तो भाई वहाँ पे जाने जाके उनको थोड़ा सा समझाओ भाई। प्रदीप मेरी टीम में देखो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, मतलब ये लगाओ पांच तो हम इतने अच्छे नहीं, अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे चार प्लेयर इतने अच्छे थे, मतलब हम पांच तो बिल्कुल खेलते ही खेलते थे, मैं अपने जय भगवान बाबू जी और अपने जय भगवान बाबू जी अपने भाई बलजीत बल्ली और गोविंदा और मनोज, ये हम ऐसे थे, हम खेलते ही खेलते थे साथ उस टाइम में। हाँ दो प्लेयर कोई भी थे स्कोरिंग खिलवाता था मैं उनको, क्योंकि मनोज भी साइड खेलता है, बल्ली भी, जय भगवान भाई साहब भी, और गोविंदा नेट था, मैं सेंटर खेलता था। तो उस टाइम दो प्लेयर हम कभी किसी को ले लेते थे कभी किसको, मतलब परमानेंट प्लेयर नहीं थे, लेकिन ये जो चार थे ये मेरे लिए मेरी बैकबोन यही थे, इनके दम पे ही मैं मैच जीतता था।
क्योंकि दो प्लेयर तो मैं हमेशा ही बाहर के रखता था, कभी किसी को ले लिया कभी किसी को, तो उनके साथ इतना संतुलन तालमेल नहीं बनता था मेरा। लेकिन इन पाँचों ने जो मेरा साथ दिया, जो मेरा नाम किया, इन लोगों की वजह से मेरा नाम वॉलीबॉल शूटिंग में आया। क्योंकि उस टाइम में मेरी नज़र में इन दो तीन जो बताए थे आपको, मनोज, बल्ली, जय भगवान भाई साहब, इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। रमन भाई, हाँ, मैं और अंकित का मैच चिराग दिल्ली के बीच हुआ था। उस मैच में हम विनर हुए थे, ये पटौदी साइड में, प्रॉपर गांव का नाम याद नहीं है मेरे को। हम चिराग दिल्ली से जीते थे। चिराग दिल्ली टीम देखो बहुत अच्छी टीम है, मैं बहुत आ रहा हूँ उनसे, बहुत आ रहा हूँ, लेकिन सीखा है मैंने उनसे टीम में। और हमारे भाई ये है जो हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, और आप जैसे गुड़गांव से आगे वाले बंदे हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, उनका भाई गेम बहुत फास्ट है। हमारे यहाँ पे जो नेट बनाने की स्टार्टिंग हुई, वो हमारे एक नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा उनका, एक्चुअल में कहते पप्पू फौजी थे, राजस्थान का नाम आसमाजरा के, सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ बनाई थी इस गेम में। वो ही सबसे पहले स्कोरर वालों के लिए, स्कोरिंग करने के लिए बॉल बनाते थे नेट पे। उसके बाद साहिल वामड़िया, उन्होंने भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। गोविंदा, गोविंदा इतना मेरी टीम में खेलता था, लेकिन एक गलत आदत है मेरे में, झूठ को झूठ और सच को सच कहना। गोविंदा इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना हमारा पप्पू और ये साहिल मामड़िया क्या था, बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे ये, लेकिन किसी कारणवश दोनों ने गेम छोड़ दिया। एक ने जॉब कारण, एक के साहिल का पता नहीं किस कारण से छुटा। और भाई देखो, सीख की बताऊं, तब हम दिल्ली के टूर्नामेंट खेलने जाते थे, हम भी स्कोरिंग के भी जाते थे। हमारा उस टाइम में गुरुजी कहते थे मनपाल को, मैं, लिल्लू, भगत जी, क्योंकि दिल्ली में इतने भाई अच्छे खिलाड़ी हैं। भाई परमेश नमस्कार, भाई ठीक हो आप, बताओ, अच्छे इतने खिलाड़ी हैं। चिराग दिल्ली फर्स्ट टाइम हमने हराई थी पथरेड़ी गांव में, अपने अंकित पथरेड़ी के गांव में हराई थी चिराग दिल्ली पहली बार। सेट में मैं थे, लिल्लू, भगत जी, मामड़िया के भाई, मेनपाल, प्रदीप, कानावास, नेट पप्पू था, एक बंदा पता नहीं बल्ली था या एक और था कोई। तो हमने सबसे पहले वहाँ हराई थी चिराग दिल्ली को। भाई हमने वहाँ से ही पकड़ बनाई लोगों ने। आप ये कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा, 6 महीने खेल सकते, 3 महीने खेल सकते, तो हमारे यहाँ के जो अपने राजस्थान के भाई पप्पू हैं, उन्होंने कोशिश की, होम ग्राउंड में कोशिश की, प्रैक्टिस की, तो उस उन्होंने हम उसके बाद भी घिटोरनी, ग्रेटर नोएडा खेलने गए, लेकिन उसके बाद वो तो अपनी जगह का पुख्ता हो गया, लेकिन फिर कमी क्या आई हमारे अंदर स्कोरिंग करने वालों की। हमारे प्रदीप भाई साहब बहुत अच्छे समय से मारते थे, अच्छे स्कोरर थे, लेकिन कंट्रोल, पेशेंस, क्योंकि मैंने देखा है, आपको नाम बता रहा हूँ, अपना भाई शिनू चिराग दिल्ली से, अपने भाई भुंडू, सावदा वाले जोनी भाई, यार स्कोरिंग करने वाला का तो दिमाग इतना कैलकुलेशन करता है कि आँख झपकते वो जगह देखता है कहाँ क्या करना है, और यही एक अच्छे स्कोरर में होना चाहिए। और हम लोग पीछे इसलिए रह गए चिराग दिल्ली या कुछ किसी से भी, क्योंकि भाई हम ना, हमारे गुरुजी मनपाल बोलते थे पहले तो, चलो भाई दुकान में सामान बहुत है, चलो वहाँ खेलने चलेंगे, वहाँ हार जाते थे। तो फिर दो बार टूर्नामेंट हार गए, तो ये लगा लो फिर वहाँ से थोड़ा रास्ता चेंज कर लिया, मतलब अपने ड्रॉपिंग के नहीं खेलने। फिर कुछ दिन के बाद उन मन में आती है, चलो भाई वहाँ टूर्नामेंट खेल लेंगे, तो भाई फिर खेलने चले जाते हैं। यदि भाई हम वहाँ पे पंचुअलिटी खेलते, तो हमारे में से भी कोई बहुत अच्छा स्कोरर, बहुत अच्छा पट्टी मारने वाला हो जाता। भाई प्रदीप, आप और जयदीप कुछ साल पहले मैं भी चुलाना गांव से ही एंट्री करवाई थी आप लोगों ने, और सीहोर में मैच था, मैं भी सेकंड ग्राउंड पे, तो मेरे को तो ऐसा लगा, फर्स्ट हम ही थे उस टूर्नामेंट में, पहली बार देखा होगा भाई। देखो अब कोई नए भाई है मेरे को, एक बार मेरे अजीज फ्रेंड है एक रोहित पथरेड़ी के,
रॉय जून, उन्होंने बताया, पता ना सोनीपत का या गोहाना का कोई किस साइड का प्लेयर था, वो बोले अरे कौन भारत वुरुत है। तो भाई मेरे से उसने बताई तो मैंने उसके विरोध नहीं किया, अगर भाई कौन है या वो कर दूँ या मैं वो कर दूँ या उसके साथ मैच करवा दे, क्योंकि भाई जो किसी मोनू भाई आपने, मैं आपके साथ एक बार घासीड़ा गांव में खेला था, मेरी फ्लाइट उस दिन लेट थी तो मैं लेट पहुंचा था आपके साथ ग्राउंड में आते ही, सर्दियों के टाइम में मेरा मैच था, मेरे को उस टाइम 1 साल हो गया था बॉल के हाथ लगाए, तो मैं किसी मेरे दोस्त के दिल्ली पुलिस में अजीत साथी कपिल घासीड़ा से, उसके कहने पे मैं पर्सनली आया, मैं बोला भाई मैं सबसे बड़ा टीम का हार कारण बनूंगा, बोला ठीक है तू आ जा। मैं आया भाई, शर्म इतनी आई थी उस टूर्नामेंट में मेरे को कि कुछ लोगों ने कमेंट ये भी किए थे, जैसे खिलाड़ी को सुनती तो सभी ये बातें हैं कि भाई यही है क्या तेरा बैंगलोर का प्लेयर, बहुत दुख हुआ था, आपके साथ मैच था आपके तरफ से ये कमेंट आ रहे थे, आपने ही किया था भाई, अब ये प्रैक्टिस में नहीं है वरना इसका गेम बहुत तेज था। और भाई ये अपने प्रदीप मोनू भाई है नजफगढ़ से, बहुत अच्छा गेम है इनका, बहुत अच्छी साइड है और बहुत ही अच्छे आदमी है ये, सभी से रिस्पेक्ट से प्यार से बातें करते हैं। अब देखो भाई गाली या कुछ अपशब्द या कुछ भी गलत कहने से पहले मैं भी किसी प्लेयर को बोल दूँ सीनियर को, अब कौन, जैसे मैं अपने जो ना बुरा मानने वाले उसके नाम ले रहा हूँ, मेरा गुरु बागी संदीप किंदोखर से, तो उसका यार ये नहीं है, लोगों को पता है जो मेरे रेवाड़ी के मेरा जीत साथी हैं मनपाल लिल्लू भगत जी, सबको पता है, मेरे को पता है मेरा वॉलीबॉल का दिन गिंदोखर गांव से हुआ है स्टार्टिंग बेस मेरा, लेकिन मैं उसके पीछे अपनी भी मेहनत मानता हूँ, वो इसलिए उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम किसी क्लास में 40 बच्चे होते हैं, टीचर होता है वो सभी को पढ़ाता है, तीन चार बंदे ऐसे उसमें मेरिट टॉप करते हैं, कोई फर्स्ट पोजीशन कोई सेकंड कोई फेल भी हो जाता है किसी कंपार्टमेंट में, कहने का मतलब दिल से मेहनत करो तो ऐसा कोई मुकाम नहीं है आदमी छू ना सके। ये तो एक प्लेयर घटा रहा है, ये हमारे भाई लिल्लू है मेनपाल है यार, ये दो दो में पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, अगली टीम को अपोजिट को 3 दे देते हैं या 4 भी देते हैं कभी कभी, अंकित है कितनी अच्छी पथरेड़ी, अंकित कितनी अच्छी कवरिंग है, उसके पीछे तो थर्ड करना मेरे मानना है बेवकूफ़ी है उसके पीछे थर्ड करना, क्योंकि उसकी कवरिंग इतनी है कि उसको थर्ड की जरूरत ना पड़े। नियम बनाओ भाई, मैं तो लास्ट में यही कहूँगा टाइम से पहुँचो, सबसे पहले जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो टाइम से पहुँचने की है, सुबह लास्ट, यदि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ लास्ट में यही बोलूँगा, यदि सभी टीम सभी खिलाड़ी सभी मेरे भाई 11 बजे पहुँच जाते हैं ग्राउंड में तो बहुत अच्छी बात है, आप 11 बजे पहुँचोगे तो ये लगाओ आप 11:30 बजे में टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, उस बात का आपको ही बेनिफिट है भाई। कई बंदे अभी जो नए आए हैं देखो मार्केट में, मैंने एक दो बंदों को देखा है सुना है कि किसी के +2 करके बंदा वॉलीबॉल की दुनिया में आया है, बहुत अच्छा है, जंप है टाइमिंग है सब कुछ है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता, वो प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मिल पाता अभी नाइट के चला दिए टूर्नामेंट, ठीक है भाई उससे क्या होगा, बंदा +2 करने के बाद सभी माँ बाप को पेरेंट्स को ये होता है कि यार कभी बंदा मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना चल जाए, वॉलीबॉल वालों का ये होता है कि रात को 10, 11, 12, 1, 2 कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है, जो इनका टाइम पे बंदे टूर्नामेंट ख़त्म करके घर आ सकते हैं, तो भाई ये भी एक अच्छी पहल होगी देखो आप लोगों की कि अपने जूनियर या नए खिलाड़ियों को उभारने की, एक मेरे की नज़र में बहुत अच्छी पहल है कि टाइम से टूर्नामेंट स्टार्ट करो और टाइम लिस्ट को ख़त्म करो। आपने खूब देखा होगा अपने आस पड़ोस में या अपनी टीम में ही, यार आज उसका फादर मना कर दिया, और वो टीम की मतलब कुछ 6 महीने साथ खेल लिया तो वो टीम की रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है, गेम में उभरता जा रहा है, सपोज करो एक नेट है उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते कितनी रात को खेलने में, बहुत से मैचों मैंने लिल्लू को ही देखा है ये टूर्नामेंट नहीं जाता, अपना भाई टीट वाला नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे यार मम्मी पापा या पेरेंट्स हैं जो गुस्सा करेंगे नाराज़ होंगे हमसे, तो इसलिए बता रहा हूँ भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बता तो क्या निवेदन कर रहा हूँ कि मैच को टाइमली शुरू किया जाए और टाइमली ख़त्म किया जाए,
और ये भाई किसी एक ग्राउंड के करने से नहीं होगी, ये हम सब भाइयों के करने से होगी। सभी को ये बात समझनी चाहिए। टाइम की क्या इंपॉर्टेंटनेस है, अभी तो कोई टाइम। ये भाई कल एक बार जीते ने बोला था या किसने बोला था, एक्चुअल में मेरे को अभी ध्यान नहीं है। एक टाइम पे सतपाल भाई ने बोला था शायद से, अपने रोहतक वाले ने, एक दिन एक ही टूर्नामेंट करवाओ भाई। देखो जो करवाते हैं अपने मोस्टली हरियाणा दिल्ली, मेरा कहने का मतलब NCR इलाके, राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, राजस्थान में बहुत से मैच होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनके अपने मेले होते हैं, वो मेले की वजह से पोस्टपोन्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे यहाँ लोकल होते हैं जिनको हम पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, तो भाई जैसे स्टार्टिंग ये लगा लो, अभी मेरे गांव नया करवाने लगा 2 फरवरी का, प्रथम की बार नहीं हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, यदि हो सकता है पोस्टपोन्ड करना, यदि हम कोई फिक्स डेट ना लेके कोई शहीद की, जैसे अपने भाई संदीप का 9 मार्च का है, मे बी पक्का नहीं है, लेकिन उसको प्रदीप नाम का शहीद हुआ था, उसके नाम पे टूर्नामेंट होता था। तो भाई जहाँ पोस्टपोन्ड हो सकता है वो करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर देखा है, हमारे फिदेड़ी रामगढ़ के टूर्नामेंट एक साथ होते हैं, एक ही दिन होते हैं। तो सपोज करो किसी कारणवश टूर्नामेंट हार गया, वो बंदा कमेटी से टाइम दे देता है, मैं इतने टाइम पे पहुंचूंगा, टाइम तो ओवर एक्चुअल में हो जाता है उनका, लेकिन कुछ जानकारी की वजह से, प्लेयर की वजह से कोई सोचता है अरे एंट्री करवाए ले खेल जाने दे, क्या होता है इससे। तो उसके दौरान कभी आप लोगों ने, सभी ने नोट किया होगा, हम अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं। इसके पीछे भाई यही है, अपना एक दिन में एक टूर्नामेंट करवाओ, टाइम से पहुंचो। एक बार हम आ रहे थे नंदरामपुर बास से खेल के, मैं लिल्लू भाई बॉम्बे था, एक अपने भीमा भी था मे बी उस टीम में, उस टाइम मेरे साथ नंदरामपुर धारो एड़क पास है, और भाई हमें जाना था पाथेड़ा महेंद्रगढ़ के पास कनेड़ा से आगे। तो भाई 120-130 की स्पीड थी उस टाइम। तो भाई उस टाइम मतलब हो सकता है ब्रेक ना लगे, या कुछ अगले की गलती हो, कुछ भी हो सकता है उस टाइम भाई। तो अपने टाइम की भाई कीमत समझो, और नई पीढ़ी के लिए यह है, उससे खिलाड़ी आएंगे आगे निकल के। अब ये लगा है ठीक है यार, बंदा रात को 10-10 बजे घर आ रहा है टूर्नामेंट में, क्या अब तक क्या करता है, कुछ ड्रिंक्स व्रिंक्स तो नहीं करने लग गया जो इतना लेट आ रहा है। तो उससे उनके पेरेंट्स उन पे बैन लगाते हैं, अब भाई ये मत किया करो, इतने टाइम मत जाया करो आप। तो इसके बारे में भाई मैं सभी खिलाड़ियों से, सभी टूर्नामेंट कमेटियों से ये निवेदन है, देखो होने को भाई कुछ भी हो सकता है यदि इंसान चाहे तो, और यदि हम पहल नहीं करेंगे तो जैसे चल रहा है वैसे तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसा है वैसे। लेकिन यदि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजमेंट हो जाए तो भाई बहुत अच्छा है, गेम को सही दिशा निर्देश मिलेंगे, नई नई प्रतिभा के सामने आएंगी। अब ये डिसाइड भाई देखो कमेटी या फेडरेशन के डिसाइड करने से नहीं होगा, ये डिसाइड होगा जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, किस गांव में करवा रहे हैं, उनकी कमेटी पे से डिसाइड होगा कि टाइम से चले। अभी क्या होता है देखो, मैं बता रहा हूँ अपने कैरियर की बात, हमारे साथ जय भगवान बाबू जी बहुत से खेले हैं, बहुत टाइम 6-7 साल में उनके साथ GRP के नाम से खेला हूँ। ऐसा भी होता था, वो भी गाड़ी स्टार्टिंग में आती नहीं थी, धीरे धीरे उन्होंने सीखी, बहुत तेज चलाते थे बेचारे, रात को 1 बजे आके 2-3 बजे तक आके, सुबह 4 बजे ड्यूटी जाते थे दिल्ली, दिल्ली पुलिस में है वो 3-4 बजे। तो यार उसमें आदमी को सिर्फ मानसिक भी थकान, शारीरिक थकान सभी प्रकार की होती थी, और वो तो इतना रिस्क लेते थे ड्यूटी के लिए पूछो मत, कभी अपने साथी से करवा लेते थे ड्यूटी, और फिर उसको लगातार 2-3 दिन कंटिन्यू वो ड्यूटी करते थे उन्होंने। मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा अपने ड्यूटी को, जॉब को दाव पे रख के मैच भी खूब खेले हैं। हमें हमें भी ये होता था भाई, हमें उस टाइम में खेलते थे तो ठीक है यार, एक नज़दीक टूर्नामेंट है भाग ले वहाँ पे, अब ठीक है यहाँ भी जीत तो होगी, उस टाइम तो इतना था दबदबा नहीं बोला, लेकिन उस टाइम थोड़ा इतना हुनर था, जीत यहाँ तो हो ही हो गई, वहाँ और अपने जीत दर्ज करते हैं।
तो भाई लास्ट में यही बोल लूँगा, यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं भी आप में किसी का छोटा भाई हूँ या किसी का बड़ा भाई हूँ, कोई बात गलत लगी हो तो भाई उसको अपने छोटे भाई की या कोई बड़े भाई की भूल समझकर माफ़ कर देना। और भाई देखो, इन लोगों को ये जो पहल कर रहे हैं गेम में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, हम इनका सहयोग करना चाहिए। और भाई मैच को मैच की भावना से खेलो, जो अच्छा खिलाड़ी है चाहे वो कोई भी हो उसकी रिस्पेक्ट करो यार। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।